हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विशाखा, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज मक्खन वाला। ये बहुत ही आप आसानी से घर पे बना सकते हो, इसके लिए होटल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी जो ग्रेवी बनती है इतनी क्रीमी बनती है कि खाते ही उंगलियाँ चाटते रह जाओगे। और ये बहुत ही हेल्दी है क्योंकि इसमें हर तरह की सब्जियाँ डाली जाती है। तो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हमने एक पैन लिया है, इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। ये 2 मैंने स्लाइस किए हुए अनियंस डाले हैं। इसको हम लाइट पिंक होने तक फ्राई करेंगे। सिर्फ इसका कच्चापन निकल जाना चाहिए, इसका हमें कुछ इतना कलर चेंज नहीं करना है। ये देखिए, हल्का सा लाइट पिंक कलर आ गया है, कच्चापन भी निकल गया है प्याज का। अभी हम इसमें डालेंगे 3 स्लाइस किए हुए टमाटर। इसको भी हम इसी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे टमाटर का भी कच्चापन निकल जाए। तब तक हम इसमें मसाले डाल देते हैं। इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। 1 अदरक का टुकड़ा लिया है जिसको हमने इस तरह से पीसेस में कट किया है, और 10 से 12 लहसुन की कलियां। ये सब मसाले हम अच्छे से मिला देंगे। गैस को हम स्लो कर देंगे और ढक्कन लगा देंगे। 5 से 10 मिनट इसे हम पकने देंगे, जैसे अच्छी तरह से मसाला जो है पक जाए। ये देखिए, 5 से 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे। ये टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, मसाला भी अच्छी तरह से पक चुका है। यहाँ हम गैस बंद कर देंगे अभी और इसे ठंडा होने देंगे। फिर हमें एक फाइन प्यूरी तैयार करनी है इसको ग्राइंड करके। जब तक ये मसाला ठंडा होता है हम सब्जियों की तैयारी करते हैं। एक कढ़ाई में हमने यहाँ पे लिया है 2 बड़े चम्मच बटर। ये डिश का नाम ही वेज मक्खन वाला है तो इसमें बटर थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, उससे ही इसका जो क्रीमी टेक्स्चर आएगा। देखिए, बटर अच्छे से मेल्ट हो चुका है। इसमें हम ये डालेंगे 1 टीस्पून जीरा। हल्का सा जीरा जो है रोस्ट होना चाहिए अच्छे से। अभी हम इसमें यहाँ पे डाल रहे हैं 200 ग्राम्स फूलगोभी। इसको हमने 5 मिनट के लिए गर्म पानी में रख दिया था। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ग्रीन पीस, ग्रीन पीस को भी हमने 5 मिनट के लिए गर्म पानी में रखा था। 2 चम्मच हम डालेंगे फ्रेंच बीन्स, और 2 चम्मच हमने यहाँ पे लिया है गाजर। सब सब्जियाँ अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। यहाँ हम सब्जियों के हिसाब से ही नमक डालेंगे क्योंकि हमने जो मसाला बनाया है उसमें भी नमक डाला हुआ है, तो हमें ध्यान रखना है। अभी हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी। सब मसाले इस बार अच्छे से मिला देंगे। इसको हमें ढक्कन लगा कर रख देना है धीमी आंच पर 10 मिनट के लिए, जैसे सब सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, 5 से 10 मिनट बाद आप चेक करेंगे, सब्जियां अच्छे से पक चुकी हैं। अभी हम इसमें डालेंगे ये मसाला जो हमने बनाया था, वो फाइन पेस्ट हमने कर दिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। अभी
अच्छे से एक बार मिला देंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है इसमें। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे, मिक्सर जार से ही उसमें हम पानी ये करके निकालेंगे, जो भी मसाला रहेगा वो निकल जाएगा। अभी हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, एक बार अच्छे से मिला देंगे। अभी हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम, हम अभी डाल देंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी हमेशा जो है क्रश करके डाली जाती है तो ही उसका अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छे से मिला देंगे और सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे, जो सब मसाले जो है अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये हमारी वेज मक्खन वाला बनकर तैयार है। क्रीमी और बहुत ही यम्मी बनती है ये वेज मक्खन वाला, तो ये आप ज़रूर ट्राई करके देखिए। और इसे नान के साथ सर्व किया जाता है। ये वेज मक्खन वालों को हम गार्निश कर रहे हैं फ्रेश क्रीम और बारीक कटे हुए हरे धनिया के साथ। गेस्ट आने वाले हैं तो इस तरह से आप डिश को सर्व कीजिए तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मटर मसाला रेसिपी देखने में मालूम तो पड़ जाता है कि हम इसमें मशरूम यूज़ करने वाले हैं, पर मशरूम जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो हर एक को पसंद नहीं आती, पर एक बार आप यह रेसिपी ट्राई करके देखिए, आपको मशरूम से भी बहुत ही लगाव हो जाएगा। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं मशरूम, और देखा है आपने मशरूम जो है वो श्रिंक हो जाते हैं, पर इसमें आपको ऐसे स्टेप्स बताऊंगी मशरूम श्रिंक भी नहीं होंगे और आपको एक एक मशरूम जो है अलग अलग दिखेगा भी। इसमें ऐसे स्टेप्स जो हैं वो जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगा वो मैं बताती जाऊँगी। तो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने ये 200 ग्राम मशरूम लिए हैं जिनको पील ऑफ कर लिया है और इस तरह से स्लाइसेस में कट किया है। एकदम बारीक नहीं कट करना है हमें इसे। 2 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के जिनको हमने फाइन चॉप कर लिया है। 1 बोल हमने ये फ्रोजन पीज लिए हैं और 2 टमाटर लिए हैं जिनको हमने बारीक कट कर लिया है। यहाँ हमने ये लिया है 1/2 कप दही, 4 से 5 काजू लिए हैं जिनको हमने इस तरह से फाइन चॉप किया है, 1 टेबलस्पून हमने इसमें लिया रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा, 4 से 5 हमने लौंग लिए हैं, 3 से 4 काली मिर्च और 1 दालचीनी की स्टिक, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून हमने लिया है हल्दी और 1 टेबलस्पून हमने इसमें लिया है धनिया पाउडर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 2 हरी मिर्च लिए जिनको हमने इस तरह से स्लिट कर लिया है, 1/2 टीस्पून लिया है कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून लिया है हमने काली मिर्च पाउडर, इसको हमने क्रश करके लिया हुआ है, 1 टीस्पून हमने यहाँ पे लिया है कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और 2 चम्मच हमने यहाँ पे लिया है बेसन। एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच तेल, 1/2 कप तेल हल्का सा जैसे ही गर्म होगा इसमें हम सब डालेंगे अखे मसाले, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च। अभी हम इसमें डालेंगे जीरा, जीरा अच्छे से फ्राई हो चुका है, अच्छे से खुशबू आने लगी है। अभी हम इसमें डालेंगे काजू बारीक कटे हुए, इससे उसका बहुत ही अच्छा नटी फ्लेवर आ जाता है एक ग्रेवी में। थोड़ा सा ऐसे हम फ्राई करेंगे ऑयल के साथ। अभी हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च,
बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को हमें अच्छे से पकाना है, अच्छा लाइट गोल्डन होने तक हमें इसे पकाएंगे और हम इसे धीमी आंच पर ही पकाएंगे। फास्ट गैस पर हम पकाते हैं तो क्या होता है, जो प्याज होता है बाहर से तो अच्छी तरह गोल्डन हो जाता है लेकिन अंदर से वो कच्चा रह जाता है, तो वो जो ग्रेवी का टेस्ट है वो अच्छा नहीं आता है उससे। तो हमें ध्यान देना है कभी भी प्याज को पकाते हुए ग्रेवी के लिए हमेशा गैस लो फ्लेम पर ही होनी चाहिए। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन जो ग्रेवी का टेस्ट आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए 8 से 10 मिनट बाद ये हमारा प्याज जो है अच्छे से गोल्डन हो चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा, रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर और कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। मशरूम के साथ कुटी हुई काली मिर्च का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये सब मसाले हम अच्छे से मिला देंगे और हमें ध्यान रखना है गैस जो है वो हमारा लो ही है, गैस को हमें फास्ट नहीं करना है। सब मसाले हम अच्छे से ये मिला देंगे। ये देखिए ये सब मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अभी हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच ये बेसन, बेसन से उसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा। और एक इसमें बहुत इम्पोर्टेंट काम होगा, जब हम दही डालेंगे तो ये दही हमारा फटेगा नहीं, एक अच्छा बाइंडिंग देगा ये दही को यहाँ पे। पहले बेसन को हम अच्छे से सब मसालों के साथ मिला देंगे, 1 से 2 मिनट के लिए उसको हम अच्छे से पकाएंगे बेसन को मसालों के साथ, जैसे उसका कच्चापन भी निकल जाए। ये देखिए बेसन अच्छे से पक चुका है, सब मसाले अच्छे से मिल चुके हैं। यहाँ पे हमें गैस बंद कर देनी है और बाद में हम दही डालेंगे। दही को अच्छा सा बीट करके हम डालेंगे, जैसे लम्स नहीं रहे दही में, और हम इसे मिलाते रहेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, जैसे सब मसाले अच्छे से दही के साथ मिल जाए तो हमारा दही जो है वो फटेगा नहीं। फिर देखिए कितना अच्छा क्रीमी टेक्सचर दिख रहा है अभी। दही अच्छे से मसालों के साथ मिल गई है। मीडियम फ्लेम पर हम गैस चालू करेंगे और इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। अभी हम इसमें डालेंगे टमाटर बारीक कटे हुए, एक बार सब मसाले अच्छे से मिला देंगे। अभी हम इसमें डालेंगे पीस, ये हमने यहाँ पे फ्रोजन पीस यूज किए हुए हैं। पीस को हम एक बार सब मसालों के साथ मिला देंगे। यहाँ हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, गैस स्लो कर देंगे, 5 से 10 मिनट हम इसे पकने देंगे। टमाटर का भी पानी है तो वो इस अच्छी तरह से पक जाएंगे पीस भी उसमें। दस मिनट हो चुके हैं, अभी हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छे से ऑयल भी सेपरेट हो गया है, मसाले अच्छे से पक चुके हैं और पीस भी सॉफ्ट हो गए हैं अभी इसमें।
अभी हम इसमें डालेंगे मशरूम्स। ये देखिए मशरूम के स्लाइसेस कितने अच्छे से हैं, और मशरूम जो है वो बहुत ही जल्दी पक जाता है, इसीलिए हमने पीस अच्छे से सॉफ्ट होने के बाद ही मशरूम डाले हैं इसमें। ये हमें ध्यान रखना है, पहले ही हम डाल देते थे पीस के साथ तो मशरूम जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते थे, और इसीलिए वो जल्दी ही श्रिंक हो जाते हैं फिर ज़्यादा पकाते हैं। वैसे ओवर कुक नहीं करते हैं मशरूम्स को, हमें याद रखना है। अभी हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। कसूरी मेथी डालेंगे, लेकिन थोड़ा क्रश करके डालेंगे तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सब मसाले एक बार अच्छे से मिला देंगे। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, जैसे मसाला जले नहीं, और एक बार अच्छे से मिला देंगे, और सिर्फ 5 मिनट तक हम इसे पकने देंगे धीमी आंच पर, जैसे मशरूम जो है सॉफ्ट हो जाए, लेकिन ओवर कुक नहीं होना चाहिए, वो हमें ध्यान देना है। पाँच मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए मशरूम भी अच्छी तरह से पक गया है, और अच्छी थिक ग्रेवी तैयार हुई है हमारी। तो ये हमारे बनकर तैयार है मशरूम मटर मसाला। इसे हम गार्निश कर रहे हैं बारीक कटे हुए हरे धनिए के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी मलाई मटर। ये रेस्टोरेंट स्टाइल आप कैसे बना सकते हो, और बहुत ही टेस्टी बनती है ये, घर पे आप बना के देखोगे तो। और इसमें आपको मैं 2 ग्रेवीज के हिसाब से बताऊंगी। अगर आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाइट ग्रेवी चाहिए तो आप कैसे बना सकते हैं, या ये हम रेस्टोरेंट जाके ही खाते हैं, लेकिन आप ये घर पे ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो बनाना शुरू करते हैं। पहले यहाँ पे हमने ये एक टोप लिया है, इसमें हम डालेंगे पानी। इसमें हमें ये पीस डालें, ये मैंने 1 कप पीस यूज़ किया है, ये ताज़ा वाला हरा मटर है। और अगर आप फ्रोजन पीस यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे एक उबाल आके और गैस बंद कर दीजिएगा, लेकिन ये मैंने ताज़ा मटर यूज़ किया है, तो इसको मैं 2 से 3 मिनट बॉयल होने दूंगी अच्छे से, जैसे वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए उबाल आना शुरू हुआ है, जैसे कि मैंने कहा ये ताज़े मटर हैं, तो इसे 2 से 3 मिनट इसी तरह हम बॉयल कर देंगे। और अगर आपने फ्रोजन भी यूज़ किए हैं तो बॉयल आने के बाद आप इसी में ही रख दीजिए गर्म पानी में ढक के, तो फ्रोज़न पीस जो हैं वो ऐसे स्किन जो अलग दिखने लगती है, श्रिंक लगते हैं, वो नहीं रहेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं और बॉयल हो चुके हैं, इसको हम ये गर्म पानी में ही ढक के रख देंगे साइड करके। यहाँ हम एक पैन लेंगे, इसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। ये मैंने 3 कप लिया है मेथी, इसको अच्छे से फाइन चॉप कर लिया है, साफ कर लिया है धो के, वो हम इसमें डाल देंगे। अभी जैसे कि ठंडी का मौसम है तो मेथी, ये हरी सब्जियों का सीज़न है, तो इस टाइम पे मेथी खाना बहुत ही अच्छा है सेहत के लिए भी। इसको हम ऑयल में अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, जैसे हल्का सा मेथी का जो कड़वापन है वो भी निकल जाए, और हल्की सी अच्छी सी खुशबू आएगी मेथी की इसमें अभी। और जैसे कि ये मेथी जो है, जैसे ही इसको हम पकाते हैं तो वो सिकुड़ती जाती है, तो यहाँ पे हम जो नाप ले रहे हैं, 3 कप मैंने मेथी लिया है और 1 कप मैंने लिया है ग्रीन पीस। ये देखिए किस तरह से ये श्रिंक हो गई है, और ये अच्छे तरह से रोस्ट हो गई है, और अच्छी सी खुशबू आने लगी है अभी इसमें। यहाँ पे अभी हम गैस बंद कर देंगे और इसे हम साइड करके निकाल देंगे प्लेट में। वही सेम पैन लेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तेल।
यहाँ मैंने ये 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिनको इस तरह से स्लाइस में कट किया है, वो हम इसमें डाल देंगे। ये मैंने लिए हैं यहाँ पे 10 से 12 काजू, वो हम डालेंगे। ये काजू से उसका बहुत ही अच्छा क्रीमी टेक्सचर आएगा ग्रेवी में। ये मैंने लिए हैं 10 से 12 लहसुन की कलियाँ और एक अदरक का टुकड़ा, वो हम इसमें डाल देंगे। सब अच्छे से फ्राई करेंगे इनको। हमें इसका कलर नहीं चेंज करना है प्याज का, इसका सिर्फ स्मेल निकल जाना चाहिए, कच्चापन निकल जाना चाहिए और हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा प्याज, उतना ही हमें इसे पकाना है, ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना। ध्यान देना है इसका कलर चेंज नहीं करना है हमें प्याज का। ये देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया है प्याज और अभी उसकी कच्ची स्मेल भी नहीं आ रही है। यहाँ पे मैंने अभी लिए हैं ये 2 टमाटर, इनको भी मैंने इस तरह से स्लाइस किया है। यहाँ पे अगर आपको मेथी मलाई मटर का वाइट कलर ही चाहिए ग्रेवी का तो आप इसमें टमाटर के बजाय दही डालिएगा 1/2 कप, और अगर आपको हल्का सा इस तरह सा ऑरेंज कलर चाहिए ग्रेवी में तो ये टमाटर आप इसमें यूज़ कीजिए। यही 2 फ़र्क है जिससे आपका जो मेथी मलाई मटर है रेस्टोरेंट स्टाइल वाइट ग्रेवी बनेगी या इस तरह से ऑरेंज ग्रेवी बनेगी। अभी हम इसे ढक्कन लगा देंगे और 5 मिनट इसे हम धीमी आंच पर रखेंगे जैसे टमाटर हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। अभी भी टमाटर हल्का सा कच्चा है, इसे हम फिर से रखेंगे 2 मिनट के लिए। और 2 से 3 मिनट बाद हम इसे वापस चेक करेंगे, टमाटर अच्छा सा सॉफ्ट हुआ है। अभी हम इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद ये मसाले को हम ग्राइंड कर लेंगे। वही पैन हमने लिया है, अभी हम इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच तेल। पहले हम 2-2 चम्मच तेल यूज़ कर रहे थे, अभी हम फाइनली ग्रेवी तैयार कर रहे हैं तो अभी हम 3 से 4 चम्मच ऑयल डालेंगे इसमें। यहाँ मैंने लिया है 2 तेज़पत्ते, 2 से 3 लवंग, 2 छोटी इलायची ली है, इसको हम खोल के डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है ग्रेवी में। और 4 से 5 हम डालेंगे इसमें अखी काली मिर्च। 2 यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ली है जिसको इस तरह से स्लिट किया हुआ है। ये अखी मैं इसीलिए डाल रही हूँ कि जैसे हम अच्छे से निकाल सकें, कि नहीं खाना हो तो, यहाँ बच्चों को भी नहीं आए, ये इसी तरह से अखी डाल रहे हैं हम इसे। और 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे अभी जीरा। सब अखे मसाले अच्छे से रोस्ट हो गए हैं ऑयल में। ये मसाला जो हमने बनाया था वो ग्राइंड कर लिया इस तरह से। ये काजू की वजह से बहुत ही अच्छी थिक पेस्ट हमारी तैयार हुई है। ये मिक्सर जार में हल्का सा पानी डालेंगे और पूरा मसाला हम इसमें डाल देंगे। ये जो हमने ग्रेवी तैयार की थी मसाले की, वो हमने अच्छे से भून ली है तो इसे हम अच्छे से ऑयल में अभी मिला देंगे सिर्फ। अभी हम सब डालेंगे इसमें ड्राई मसाला, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, पिंच हम सिर्फ डाल रहे हैं इसमें हल्दी क्योंकि ये हमें ऑरेंज कलर ही रखना है इस तरह से ग्रेवी का। 1 टीस्पून हम इसमें डाल रहे हैं रेड चिल्ली पाउडर और 1.5 टीस्पून हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। आप अपने हिसाब से इसमें रेड चिल्ली पाउडर कम ज़्यादा कर सकते हो। सब मसाले हम अच्छे से मिला देंगे। अभी हम इसमें डालेंगे मेथी जो हमने रोस्ट करके रखी थी।
और ये हरे मटर मैंने इसको गर्म पानी में ही रखा था, अभी मैंने निकाला, देखिए किस तरह से अच्छे से खिले हुए ही हैं, उसकी स्किन जो है ऐसे अलग नहीं हुई है। ये सब अच्छे से मिला देंगे मसाले के साथ। ये बहुत ही थिक ग्रेवी है, अभी हम इसमें डालेंगे आधे ग्लास के तकरीबन पानी। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ढक के हम इसे धीमी आंच पर रखेंगे 5 मिनट के लिए, जिसे सब मसाले जो है मेथी और मटर के साथ मिक्स हो जाएं। 5 मिनट बाद हम चेक करेंगे, देखिए कितने अच्छे से मसाले मिक्स हो गए हैं और अच्छी थिक ग्रेवी हमारी ये तैयार है। अभी हम इसमें डालेंगे मलाई। ये मेरी फ्रेश क्रीम जो है वो रेडीमेड वाली है, अगर आपकी घर की है मलाई तो आप इसे अच्छे से फेंट के डालिएगा। ये मैंने 3 चम्मच यूज़ की है मलाई, वो हम इसमें डाल देंगे। गैस हम स्लो ही रखेंगे, फास्ट नहीं करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला। और फाइनली हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला सबसे लास्ट में ही डाला जाता है तो उसका जो फ्रेशनेस है वो बहुत ही अच्छा रहता है सब्जी में। ढक के 2 मिनट सिर्फ हम इसे रखेंगे धीमी आंच पर और 2 मिनट बाद ही हमारी बनकर तैयार है मेथी मलाई मटर। आज हम बनाने जा रहे हैं पंजाबी ट्रेडिशनल रेसिपी दाल मखनी। ये बहुत ही टेस्टी यम्मी बनती है, इतनी क्रीमी बनती है, आप खाओगे आपका दिल नहीं बढ़ेगा। लेकिन इसको बनाने के टाइम पे कुछ पेशेंस रखने पड़ते हैं, जितना हम इसको घुमाते हुए बनाएं वो उतना ही टेस्टी बनती जाती है। और इसको दूसरा माँ की दाल से भी नाम दिया गया है। तो बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने यहाँ पे 1 पाव काली उड़द ली थी अखी, जिसको मैंने रात भर भिगो के रखा था, और राजमा भी इसमें मैंने डाला था 70 ग्राम। रात भर पूरा हमने भिगो के उसको अच्छी तरह से वॉश किया था। नमक डाल के हमने इसे 5 सीटी लगाई थी जो बॉयल करके रखा है हमने। ये देखिए कितना अच्छी तरह से बॉयल की हुई है दाल, पूरी खुल गई है, बॉयल हो गई है, लेकिन मशी नहीं बन गई है, दाना दाना हमें दिख रहा है। इसको हमें अभी अच्छी तरह से पकाना है। यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, 3 बड़े चम्मच हम इसमें तेल डालेंगे। ये मैंने 10 से 12 लहसुन की कलियां ली थी और एक अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने एकदम बारीक फाइन चॉप किया वो हम इसमें डालेंगे। और ये हम डालने के टाइम पे आंच धीमी रखेंगे, फास्ट गैस करेंगे तो ये जल्दी ही जल जाएंगे, इसीलिए धीमी आंच पर हम इसे हल्का गोल्डन करेंगे। जैसे जैसे लहसुन इसमें फ्राई होती जाएगी उसका कच्चापन भी निकल जाएगा और अच्छा सा फ्लेवर आएगा। जब लहसुन अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, हल्का गोल्डन कलर आ जाएगा लहसुन में, तभी हम इसमें डालेंगे। ये 1 स्पून कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर मैंने डाला है, ये कलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें, जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। 3 टमाटर का मैंने प्यूरी बना के रखा है वो हम इसमें डालेंगे। इसे अच्छी तरह घुमा देंगे। अभी इसमें हम सब डालेंगे मसाले।
नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार। ध्यान देना है, हमने जब ये राजमा और उड़द दाल बॉईल की थी तो मैंने नमक डाला था, तो इसीलिए हम ये जो नमक डालेंगे वो ग्रेवी के हिसाब से ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसके बाद अभी हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, वन टीस्पून इसमें हम डालेंगे हरा धनिया, स्पून डालेंगे हल्दी, सब मसाले एक बार हम मिला देंगे ग्रेवी के साथ। देखिए मसाले अच्छी तरह से मिल गए हैं, अभी हम इसको ढक्कन लगा के पकने देंगे जिससे टमाटर का जो है कच्चापन निकल जाए और जो ग्रेवी है थोड़ी थिक हो जाए अभी हमारी, तो इसको हमें ढक्कन लगा के पकने देना है। 5 से 7 मिनट इसको हम पकने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अभी हम इसे चेक करेंगे। ये देखिए ग्रेवी हमारी अच्छी तरह से थिक हो गई है और कच्चापन भी निकल गया है, कच्चेपन की जो स्मेल आती है वो हमारी नहीं आ रही है अभी टमाटर भूनने में। ये अच्छी तरह से टमाटर भून चुका है हमारा और कलर कितना अच्छा आया है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे उड़द और राजमा जो हमने बॉईल करके रखे थे, इसको भी हमें 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही पकाना है घुमाते हुए, जैसे कि मैंने बताया पहले भी आपको। इसको हम जितना भूनेंगे अभी, जितना घुमाते हुए रहेंगे, उतना ही ये दाल जो है टेस्टी बनेगी हमारी। ये देखिए दाल अच्छी तरह से मिल चुकी है मसालों के साथ, अभी हम इसे ढक्कन लगा कर रख देंगे पकने के लिए। 5 से 10 मिनट बाद फिर हम चेक करेंगे, इसको घुमाते हुए रहेंगे, बीच में ऐसा नहीं हमें छोड़ देना है क्योंकि उड़द दाल है तो वो नीचे लग ना जाए, वो भी हमें ध्यान देना है। इससे हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे, घुमाते रहेंगे अच्छी तरह से, वो भी ध्यान देना है कि एकदम मशीन हो जाए। ये अच्छी तरह से पकेगी भी और मशी भी नहीं होगी, दाना दाना भी दिखेगा, इसका इतना अच्छा फ्लेवर आएगा उसमें कि आप याद रखोगे ये फ्लेवर्स को हमेशा। अभी हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला और यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी ली है, इसको हमने क्रश करके डालेंगे। हमेशा कसूरी मेथी को क्रश करके डालते हैं तो उसका फ्लेवर और भी अच्छा आता है। एक बार अभी हम इनको घुमा देंगे अच्छी तरह से। आपने इसमें अभी तक नोटिस किया होगा ना हमने बटर का इस्तेमाल किया है, ना ही कुछ तरह घी देसी घी डाला है, ना ही हमने इसमें अभी तक क्रीम डाली है। अभी हम इसमें डालने वाले हैं बटर, ये मैंने 100 ग्राम बटर डाला है इसमें। इसमें आप जितना बटर डालना चाहो डाल सकते हो, उतना ज़्यादा वो टेस्ट देगा। और ये स्टेज पर ही हमें डालना चाहिए इसमें बटर, ना ही पहले डालना चाहिए जब हम मसाला बना रहे हैं। ये स्टेज पे हम डालते हैं तो वो जो मक्खन का जो फ्लेवर आता है वो बहुत ही अच्छा आता है इसमें। इसे जैसे हम घुमाएंगे दाल के साथ, जैसे वो ज़्यादा मेल्ट होता जाएगा वैसे ही उसका वो फ्लेवर आता जाएगा दाल में। इसीलिए स्पेशली दाल मखने के टाइम पे ये बटर जो यूज़ किया जाता है ये स्टेज पर ही यूज़ किया जाता है। आप डालना चाहो तो इसमें देसी घी भी यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगता है इसमें। ये देखिए ये हमारी अभी दाल मखनी बनकर तैयार हो गई है। एक बार इसे ढक्कन लगा के हम पकने देंगे 2 मिनट के लिए। ये दाल मखनी के ऊपर अभी हम तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए हमने यहाँ डाला है 1 स्पून ऑयल। थोड़ा सा मैं बटर इसमें यूज कर रही हूँ।
इसमें मैंने यहाँ पे ये दाल मखनी में अदरक का ज़्यादा फ्लेवर आता है, ये मैंने 1 इंच अदरक के ऐसे जूलियंस तैयार किए हैं, बारीक नहीं यूज़ कर रहे हैं अभी हम, इसमें जूलियंस यूज़ कर रहे हैं। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे जूलियंस को, और जैसे ही वो अपना फ्लेवर्स छोड़ना शुरू करें तो इसमें डालेंगे 1 स्पून कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, ये कलर के लिए मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। ये देखिए ये तड़का हमारा बनकर तैयार है। ये हम डाल देंगे दाल के ऊपर। और इसे हम गार्निश कर रहे हैं फ्रेश क्रीम के साथ। ये देखिए ये हमारी बनकर तैयार है दाल मखनी, कितनी अच्छी लग रही है ये दिखने में ही। आप इसे सर्व कर सकते हैं स्टीम राइस के साथ या नान के साथ भी आप इसे खा सकते हो। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिए और आप हमें बताइए कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक बटन दबाना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए जिससे हमारे आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें। फिर मिलेंगे किसी नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।